हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है पाइथन के। किसी भी चीज़ की दो पहलू होती है, एक प्लस होती है और एक माइनस होती है। तो हम प्लस तो देख लिया, माइनस देखते हैं कि क्या क्या होती हैं। तो ये ह्यूमन कहते हैं, इंसानों की कहावत है कि ये नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, ये फास्ट लैंग्वेज नहीं है अदर देन कंपेरिजन टू सी प्लस प्लस और जावा। तो ये ह्यूमंस ने कहा है और लोगों का कहना है ये। तो ये भी देख लेते हैं हम। और लेसर लाइब्रेरी देन सी जावा और पर्ल, यानी इसकी लाइब्रेरी जो है वो छोटी है कंपैरिजन टू सी जावा और पर्ल के। वी हैव लॉन्गर कलेक्शन अवेलेबल, तो हमारे पास लॉन्गर कलेक्शंस भी हैं जो हम देख सकते हैं। नॉट ईजली कन्वर्टेबल, यानी जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो ईजली कन्वर्टेबल नहीं हो सकती है लैंग्वेज, बिकॉज इट इज़ वीक सिंटेक्स। इसके सिंटेक्स बहुत ही वीक हैं। वीक का मतलब ये नहीं कि कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि ये हम जो इसके सिंटेक्स हैं बहुत ही छोटे हैं। उसे हम एक पॉइंट्स देख सकते हैं कि अगर हमें कुछ लिखना है, अगर हमें टाइप दो नंबर को ऐड करना है, तो ये हमारा सिंपल सा एक जैसे हमें पाइथन में करना है। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है, हमने ए प्लस बी ले लिया, तो ये हम अगर पाइथन में करना है तो प्रॉम्प्ट के सामने ऐसे हमने लिखा और ये डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा कि ए प्लस बी जो भी होता है। अगर हम ऊपर वैल्यू डिफाइन किए, मान लीजिए ए इज इक्वल टू हमने दे दिया है यहाँ पे क्या 5 दे दिया है और बी इज इक्वल टू हमने क्या दे दिया है 10 दे दिया है, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वहाँ पे ये 15 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। मगर अगर आप इसको सी प्लस प्लस जावा में करना होगा तो ये दो लाइन का कोड आपका उसमें कम से कम 5 से 6 लाइन में जाएगा। तो ये पाइथन की बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत ही कम में आपको ज़्यादा आउटपुट देता है। अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन। मैंने ऊपर बात की थी आपसे कि इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन की हम बात करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। इंटरप्रेटर जो हमारा होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, हम ये समझते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है, जो ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हमारा हाई लेवल प्रोग्राम होता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कोड करता है। यानी जो हम लिखते हैं कंप्यूटर में, हमें दिखता तो है कि हम टाइप कर रहे हैं, ए टाइप किए तो ए लिख लिया, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ से ए टाइप करते हैं, वो मशीन लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है 0 और 1 के फॉर्म में। उसके बाद वो हमें जो डिस्प्ले होता है वो फिर से ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो ये जो मशीन लैंग्वेज, ये क्या करता है, हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कैसे करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ये लाइन बाय लाइन। जैसे आपने 4 लाइन की प्रोग्राम लिखी है तो ये पहली लाइन करेगा, अगर ये सोर्स फ्री है, एरर फ्री है आपकी, तब ये नेक्स्ट में एग्जीक्यूट करेगा, यानी नेक्स्ट लाइन में भेजेगा। फिर नेक्स्ट लाइन चेक करेगा, अगर वो आपकी सही है तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में आपको भेजेगा। तो ये इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। अगर आपकी फर्स्ट लाइन में एरर है तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वो आपको कहेगा कि पहले आप इसे एरर फ्री करिए। तो ये पूरा इंटरप्रेटर का मतलब था। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, ये जस्ट इंटरप्रेटर का अपोजिट होता है। कैसे, ये भी हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारी मशीन कोड है, उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मगर ये कैसे करता है, इट कन्वर्ट द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन वन गो, एक साथ ही पूरे ये प्रोग्राम को, जैसे आपने 8-10 लाइन का प्रोग्राम लिखा, तो ये क्या करेगा, अगर आपका फर्स्ट लाइन में ही एरर आ गया, कोई ऐसा आपने सिंटेक्स एरर या फिर कोई भी नेम एरर कर दिया, तो ये पूरी लाइन को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट आपको बताएगा कि आपका 5th लाइन में एरर है, 6th लाइन में एरर है, इस तरह आपको लास्ट में ये देता है। तो ये पाइथन की बहुत अच्छी बात है। उस अगर आपका प्रोग्राम लेंदी होगा तो कंपाइलेशन में आपको लाइन ढूंढनी पड़ेगी कौन सी लाइन है, मगर इंटरप्रेटर में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो ये बहुत ही बहुत बड़ी एडवांटेज है पाइथन की। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्किंग इन पाइथन, कि हम पाइथन पे वर्क कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि वर्किंग कैसे होगी। तो अभी तो आपको हमने ये बताया कि पाइथन कहाँ से आया, उसमें कैसे लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर वो मशीन करता है, आपको उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मशीन अपना करती है आपको उससे। बस आपको ये जानना था कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो अब हमको जो मेन हमारा उद्देश्य है, जो हमें सीखना है, वो क्या है, वर्किंग इन पाइथन, कि पाइथन पे हम वर्क कैसे करेंगे। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें वो सॉफ्टवेयर
होना जरूरी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग पाइथन यू नीड टू इंस्टॉल पाइथन ऑन कंप्यूटर। तो हमें पाइथन की जरूरत पड़ेगी जो हमें सबको पता है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पाइथन बताऊंगा अभी कि कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे ये रन होगा। बस तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये हमारा फ्री सोर्स है, आप यहाँ जाएंगे और इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल पे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्किंग विद डिफॉल्ट सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस वी कैन वर्क इन टू मोड्स। पाइथन में हम दो मोड पे काम करते हैं, एक क्या होता है इंटरेक्टिव मोड होता है और दूसरा क्या होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है। तो पाइथन हमें अलाउ करता है दो मोड पे वर्क करने के लिए। अब इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड पे क्या होता है, आप लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं, ये सब क्या हो रहा है, मगर आप ये सबको कुछ ना समझे, बस वही वाला हाल है कि दिखाने को कुछ और करने को कुछ और, ये उसी तरह है बस, कुछ बस इसमें है कुछ नहीं। नेक्स्ट वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड, यानी फर्स्ट इंटरेक्टिव मोड में हम कैसे वर्क करेंगे आपको ये देखना है। तो वर्किंग वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड, तो इंटरेक्टिव मोड में हम वर्क कैसे करते हैं, आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइथन, पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट खुल के आएगा। मैं अपने प्रैक्टिकल सेशन में आपको दिखाऊंगा, अभी हम थ्योरी सेशन ले रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह पेज बन के आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगा, अभी हम यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट दिए हैं आपको। जब इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इंटरेक्टिव मोड जो होता है उसमें कमांड और आउटपुट दोनों हमारा सैंडविच मोड में रहता है, यानी हमने इनपुट दिया उसका आउटपुट आ गया, इनपुट आ गया आउटपुट आ गया। ये हमें मेनली प्रोग्राम रन करने के लिए, हमें कोई ऐसा सिंटेक्स है जो हमें चेक करना है कि वो सही है या गलत है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट मोड में या नहीं, तो इंटरेक्टिव मोड इसलिए उसमें होता है। मगर अगर हमें ढेर सारे प्रोग्राम कोड्स एक साथ लिखने हैं, उसके आउटपुट एक साथ करने हैं, उसे सेव करने हैं, तो हमें स्क्रिप्ट मोड की जरूरत पड़ती है। तो इन इंटरेक्टिव मोड यू टाइप द कमांड फ्रंट ऑफ द पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट है कुछ इस तरह बन के आएगा जब आप पाइथन डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम दो नंबर का सम कर रहे हैं 2 + 5, तो 2 + 5 हमने लिखा, तो एंटर करने के बाद रिजल्ट क्या है हमारे पास 7 आ गया, तो ये प्रॉम्प्ट है। आउटपुट में कोई भी प्रॉम्प्ट बन के नहीं आता, फिर एंटर करेंगे तो आपको इस तरह नेक्स्ट कुछ इस तरह प्रॉम्प्ट बन के आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरेक्टिव मोड। हम इंटरेक्ट स्क्रिप्ट मोड में कैसे वर्क करेंगे, तो स्क्रिप्ट मोड में वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम स्क्रिप्ट मोड को ओपन करना सीखें कि स्क्रिप्ट मोड को हम ओपन कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं शॉर्टकट की, हम Ctrl+N यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी एक न्यू फाइल खुलेगी और आप उसे वर्क कर सकते हैं उस पर। तो ये हमारा क्या है, स्क्रिप्ट मोड पे है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इंटरेक्टिव मोड इज दैट इट डज नॉट सेव द कमांड एंटायर इन द फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम एंड द आउटपुट इज सैंडविच बिटवीन द कमांड लाइन। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, सैंडविच होता है किसमें, कमांड लाइन्स के बीच में, इसलिए हमें इंटरेक्टिव मोड की जरूरत पड़ी, स्क्रिप्ट मोड की जरूरत पड़ी। स्क्रिप्ट मोड में हमारा प्रोग्राम सेव हो जाता है और इंटरेक्टिव मोड में हमारा कमांड सेव नहीं होता है। तो हम आगे देखते हैं कि हम कैसे वर्क करेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आपके लिए कुछ बनाए हैं, देखिए। ओपन पाइथन शेल, गो टू फाइल, न्यू फाइल, यानी हम पाइथन शेल आपका कुछ इस तरह बन के आता है। मैं 3.7.0 शेल पे काम कर रहा हूँ तो इसलिए वो 3.7.0 है, आप नए वर्जन भी इस समय चल रहे हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे, उसके बाद न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह खुल के आएगा जो कि होता है स्क्रिप्ट मोड, और यहाँ पे जो ये खुला है ये क्या है हमारा, ये इंटरेक्टिव मोड खुला है ये, और यहाँ पे हमारा क्या खुला है, स्क्रिप्ट मोड खुला है जो हम स्क्रिप्ट मोड यूज़ करते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड के लिए आपको मैंने एक शॉर्टकट की बताई, क्या बताई, Ctrl+N, तो इससे आपका स्क्रिप्ट मोड खुल जाएगा। तो हम पहला अपना प्रोग्राम जो रन कराते हैं, पाइथन का जो पहला प्रोग्राम है वो हम कराते हैं हेलो वर्ल्ड, हम वर्ल्ड को क्या कहते हैं कि हेलो करते हैं। तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ये डबल कोट्स का यूज किया है, पैरेंथेसिस लगे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, मगर ये कुछ नहीं है, इसकी प्रॉपर
परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, स्क्रिप्ट मोड जो हमारा खुला है उसमें हमने क्या प्रिंट स्टेटमेंट दिया, ये एक हमारा कमांड फंक्शन है, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन दिया और मैंने उसमें प्रिंट क्या कराया, हेलो वर्ड कराया। इसका आउटपुट आगे मैं बताता हूँ कैसा आया है, ये देखिए आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले इस कमांड को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। कमांड सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर कमांड सेव करते वक्त आपने ये गलती की तो आपका कमांड रन नहीं होगा। आपको हमेशा ये देखना है कि कमांड सेव करते वक्त आपको डॉट डॉट पी वाई एक्सटेंशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट पी वाई एक्सटेंशन आपका प्रोग्राम सेव नहीं होगा। जब आप कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे अपना प्रोग्राम, तो लास्ट में आप चाहे जो भी लिखें, सब स्टार्टिंग में आप चाहे जो भी लिखें, मगर लास्ट में आपको डॉट पी वाई लिखना बहुत ही ज़रूरी है। या आप नीचे से सेव सेव एज द टाइप में जाके वहाँ पर पाइथन फाइल्स कर सकते हैं, तो आपको डॉट पी वाई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने हेलो डॉट पी वाई, यानी हेलो वर्ड मैंने नाम दिया अपने प्रोग्राम को, और डॉट पी वाई से यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद प्रोग्राम आपको रन कराने की ज़रूरत पड़ेगी, तो रन कराने के लिए आप रन का ऑप्शन होता है पाइथन सेल में, आप वहाँ जा सकते हैं, या मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूँ। शॉर्टकट की क्या है, F5। आप F5 दबाएंगे और आपका तुरंत आउटपुट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक नेक्स्ट क्या है, एनालाइजिंग स्क्रिप्ट एंड आउटपुट, यानी हम देखते हैं कि अब स्क्रिप्ट में कैसे हम काम करते हैं, फर्दर प्रोग्राम्स को रन कराते हैं और सब कुछ देखते हैं कि उसमें हम कैसे कैसे काम करते हैं। आप सबको बस बहुत ध्यान से देखना है और आप कॉपी पेन लिए रहिए, नोट करते रहिए। आपको अगर PDF की ज़रूरत होगी तो हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर भी देंगे। हम आपको जब हमारा एक मॉड्यूल पूरा हो जाएगा तो हम आप उसके क्वेश्चन बेस्ड आंसर क्वेश्चन भी देंगे। अगर आपको उसके पहले आपको वो खुद ट्राई करना है, उसके बाद हम उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो इसका कोई भी कॉस्ट हमको नहीं लेना है। अदर साइट्स में आप देख सकते हैं कि वो चार्जेस लगाए हैं PDF के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आते हैं क्या, एनालिसिंग स्क्रिप्ट एंड आउटपुट की एनालाइजिंग करते हैं। अब टाइप द फॉलोइंग लाइन्स इन स्क्रिप्ट मोड, फॉलोइंग लाइन्स स्क्रिप्ट मोड में कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हैश का साइन बना है। हैश का साइन का मतलब होता है ये कमांड दिखाया है कि ये कमांड लाइन है। हम आपको आगे कमांड भी बताएंगे कि कमांड क्या होते हैं, टू टाइप्स के कमांड भी होते हैं वहाँ पे। तो हैश जो होता है, अगर किसी भी लाइन के आगे हैश लगा होता है तो वो कमांड कहलाता है, वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये सिर्फ किसके लिए होता है, ये सिर्फ जो प्रोग्राम बनाते हैं डेवलपर्स के लिए, उन्हें समझने के लिए सिर्फ कमांड का यूज़ होता है। इसका प्रोग्राम में कोई भी रोल नहीं होता है, ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हमने क्या दिया यहाँ पे, एक प्रिंट फंक्शन दिया। प्रिंट फंक्शन में हमने क्या प्रिंट कराया, हेलो वर्ड प्रिंट कराया। यू विल ऑब्जर्व दैट पाइथन गिव यू जस्ट वन लाइन्स आउटपुट एज हेलो वर्ड। जब आप ये रन कराएंगे पाइथन शेल में तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट प्रिंट होके आएगा आपके पाइथन शेल में। द रीजन बींग दैट एनी लाइन दैट बिगन विथ हैश सिंबल, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी लाइन हैश सिंबल से स्टार्ट होती है तो कमेंट इन पाइथन, वो पाइथन का कमेंट कहलाता है। दैट इज फॉर द प्रोग्रामर्स इंफॉर्मेशन ओनली, ये सिर्फ प्रोग्रामर के इंफॉर्मेशन के लिए होता है। कंप्लीटली इग्नोर ऑल द लाइन स्टार्टिंग विथ हैश, ये मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी लाइन हैश से स्टार्ट होती है तो वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती है, कंप्लीटली इग्नोर की जाती है। किससे इग्नोर की जाती है, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो ये हम देख सकते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग प्रिंट, प्रिंट एक फंक्शन है जिसको हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है और काम कैसे करता है हमारा प्रिंट फंक्शन। ये एक फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट फंक्शन है। इसका हम यूज़ आपको प्रैक्टिकल सेशन में कराएंगे, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक एक चीज़, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हम आपको, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो अब देखते हैं प्रिंट सेक्शन क्या है। टू प्रिंट और डिस्प्ले आउटपुट, अगर हमें प्रिंट आउटपुट हमें करना है तो हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ आपके लिए एक एग्जांपल भी लाए हैं। अगर हमें हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो द स्टेटमेंट विल प्रिंट हेलो वर्ड लाइक हिज, यानी आपको कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे आपका नाम प्रिंट करना है कि माई नेम इज़ दैट, माई नेम इज़ जो भी जोया, या फिर कुछ भी करना है आलोक, जो भी करना है, तो आप यहाँ पर क्या देंगे,
स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग एक सिंगल कोट्स की स्ट्रिंग लगी है, ये पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ब्रैकेट कितने होते हैं, क्योंकि ये पाइथन में यूज़ होते हैं। टपल में टपल और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, स्ट्रिंग में क्या क्या हो यूज़ होते हैं, पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं, ये होता है पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं। और नोटिस द स्ट्रिंग ऑफ द जीरो और मोर कैरेक्टर गिवन इन अब टू प्रिंट स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्ट्रिंग इज इनक्लोज इन अ डबल कोट्स एंड सेकेंड स्ट्रिंग इनक्लोज इन सिंगल कोट्स। आप यहाँ देख सकते हैं, आप कहेंगे कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे प्रिंट में इन्होंने डबल कोट्स का यूज़ किया है, यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज़ किया है। हाँ, आप डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट एट अ टाइम आप एक यूज़ कर सकते हैं, या डबल यूज़ करिए या तो सिंगल कोट्स का यूज़ करिए पैरेंथेसिस के अंदर। अगर आप दो कोट्स, एक सिंगल कोट्स एक डबल कोट्स, एट अ टाइम एक साथ यूज़ करते हैं, तो ये आपको एरर देगा। क्या देगा, ये आपको एरर देगा, ये प्रिंट फंक्शन नहीं होगा जब आप इसको रन कराएंगे, तो वो एरर प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि एट अ टाइम आप एक ही कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डबल या तो सिंगल, या तो आप डबल का यूज़ करिए या तो सिंगल का यूज़ करिए, दोनों एक साथ यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको जितना मैंने पिछला पढ़ाया उसके बेस्ड पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड किए हैं, आप इसको करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हो सके तो ये अपने से करिएगा, मैं इसके आंसर्स प्रोवाइड आपको करा दूंगा। इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं क्वेश्चंस। पाइथन इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड ऑफ दिस फीचर्स, आप इससे क्या समझते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स से। तो मैंने आपको ये बताया है, फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम गूगल पे www.python.org पे जाएंगे और इसे डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। पाइथन की एक और अच्छी बात है कि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब इसे कोई भी एडिट कर सकता है, यानी आपके पास कुछ नया आइडिया हो, आप ऐसे डेवलपर बन गए हैं जो जानते हैं कि हम इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप वो पाइथन के अथॉरिटीज़ को भेजेंगे, वो अगर वेरीफाई कर दिए तो आपका एडिट हो जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइट का नाम www.python.org, आप यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, जल्दी बताइए आप सब। मैंने बताया है फर्स्ट पेज में, यही बताया है मैंने, पाइथन को डेवलप किसने किया, गुइडो वॉन रोसम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट डज मीन, ये भी क्वेश्चन मैंने सेम एज इट इज बताया है ऊपर, आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, जल्दी जल्दी बताइए, अभी मैंने बताया तुरंत आपको, स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में क्या डिफरेंस है। इंटरेक्टिव मोड क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, स्क्रिप्ट मोड इंटरेक्टिव मोड में हम सॉरी इंटरेक्टिव मोड में हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। इसमें प्रोग्राम क्या होता है हमारा, सैंडविच होता है, आउटपुट जो हमारा होता है वो सैंडविच होता है कमांड लाइंस में, और स्क्रिप्ट मोड में हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं फर्दर। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर जाके, मैंने इसे डिटेल में समझाया है। वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, ये मैंने कोड दिया है आपको, इसका आउटपुट बताना है क्या होगा। तो मैंने अभी अभी ऊपर बताया कि हैश टैग है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, हैश टैग है तो इसको इग्नोर कर देंगे। आप सोच रहे हैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा है, सच एज ये पूरा सही है, मगर ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हैश टैग लगा है, तो ये गलत होगा, गलत नहीं होगा, ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है जो यूज़ करते हैं, ये यूज़र्स के लिए नहीं होता है, तो हैश टैग लगा है, तो ये हम तीनों इग्नोर कर दिए। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट टेक एवरी चांस, यानी हमारे पास आउटपुट ये आएगा टेक एवरी चांसेस, और सेकंड क्या आएगा, ड्रॉप एवरी ईयर। तो हमारे पास आउटपुट सिर्फ ये दोनों आएगा, हम देख सकते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं हम, तो बताते हैं आपको हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, बस इतना आउटपुट आएगा, बाकी जो ऊपर का ये है ये हम छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। आउटपुट में सिर्फ टेक एवरी चांसेस, ड्रॉप एवरी ईयर, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ये आप देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड स्ट्रिंग इन पाइथन। मैं आपको आगे स्ट्रिंग बताऊंगा, मगर आपको मैंने ऊपर बताया है कि वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग कैसे होता है। नेक्स्ट, जस्ट ऊपर वाली स्लाइड में आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि ये कैसे मैंने अभी अभी इसके पहले ही बताया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, वैलिड है क्योंकि ये डबल कोट्स में दोनों है। ये भी क्या है, ये भी वैलिड है क्योंकि ये सिंगल कोट्स में है। सिंगल कोट्स डबल कोट्स में होता है तो वैलिड होता है। मगर ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों यूज किया है, तो ये हमारा क्या है, इनवैलिड स्टेट स्ट्रिंग है। ये भी देख लीजिए यहाँ पे इसने सिंगल कोट से स्टार्ट किया और एंड किया किससे, क्लोज स्ट्रिंग से किया, तो ये भी क्या होगा, ये भी इनवैलिड हुआ। तो ये इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया, ये हमारा सही है दोनों। और लास्ट वाला, ये भी इनवैलिड है, कर्ली ब्रैकेट्स में हम नहीं करते हैं, हम प्रिंट स्टेटमेंट किस में देते हैं, पैरेंथेसिस में देते हैं। ये पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, इस फंक्शंस को। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं पैरेंथेसिस मैंने ये बनाया गया है प्रिंट फंक्शन के साथ। हम कर्ली ब्रैकेट्स का भी यूज़ करेंगे, मगर उसका यूज़ हम डिक्शनरी में करेंगे जब हम आगे डिक्शनरी पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथन फंडामेंटल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा पाइथन फंडामेंटल। आगे पाइथन फंडामेंटल होता क्या है, पाइथन्स में क्या क्या है, कैसे हैं, टोकन्स क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, यूजेस हम किस किस चीज़ का कर सकते हैं, 0 1 यूज़ कर सकते हैं, 2 कैसे हमें इसमें लिखना है, ABCD कैरेक्टर कैसे लिया जाता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट, अपर केस, लोअर केस, ये सारी चीज़ें कैसे ली जाती हैं, इंटीजर क्या होता है, बुलियन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या इसमें लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से, स्टार्ट करते हैं हम टोकन से। टोकन क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, ये होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। जो सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। टोकन जो होती है उसे लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन्स। पाइथन फॉर इतने टोकन्स को ऑफर करता है कि आप यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, पंचुएटर्स हैं, तो हम ये सब का यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये सबको डिटेल में आपको बताते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से, कि कीवर्ड क्या होता है। तो हम इसको देखते हैं, कीवर्ड से हम स्टार्ट करते हैं कि कीवर्ड क्या है, कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम ले लेते हैं रेड। कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, दीज आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू अ लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यहाँ पे आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के लिए होता है। कीवर्ड हम कहीं भी यूज़ करते हैं, C++, जावा जितने भी होते हैं, हम सब में कीवर्ड्स कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड स्टोर करके रखे जाते हैं, किसके लिए, प्रोग्राम के लिए, कि उनकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है। जैसे आपका नाम कुछ भी हो, राम, श्याम, आपका नाम समझ लीजिए कि श्याम है, तो श्याम आपका नाम है तो आपकी स्पेशल मीनिंग है, आपकी एक स्पेशल क्वालिटीज़ है। इसी तरह जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ वर्ड्स को हम स्पेशलाइज्ड करके रखते हैं कि उनका यूज़ आप प्रोग्राम में नहीं कर सकते हैं, उनका सिर्फ प्रोग्राम में कुछ स्पेशल मीनिंग है, कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए इंडिकेट किया जाता है। तो टोकन्स आर द कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू अ लैंग्वेज, दीज आर reserved for a special purpose and must not be used in normal identifier name, यानी आप इसको normally use नहीं कर सकते हैं, यानी इसकी सिर्फ special meaning है जब आप इसका use, अभी आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने कुछ examples दिए हैं, होते तो हैं 32, मगर यहाँ पे मैंने 4-5 ही एग्जाम्पल दिए हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकल सेशन में सबका एक एक का यूज़ पूरा डिटेल में बताऊंगा, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 3-4 दिए हैं, आपको इसको देखना है, इफ, एलिफ, फॉर, वाइल, ब्रेक, यानी आपको समझना ये है यहाँ पे कीवर्ड्स में कि आप इसको एज अ, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, कोड लिखेंगे, सिंटेक्स लिखेंगे, जब आप प्रोग्रामर बन जाएंगे तो आप इनका यूज़ सिर्फ स्पेसिफाइड जगह पे ही करेंगे, यानी स्पेसिफाइड जगह मतलब जहाँ पे हमका यूज़ होगा, हमारा इफ़ का यूज़, एलिफ का यूज़, फॉर का यूज़, वाइल का यूज़, ब्रेक का यूज़, ये सारे स्टेटमेंट है, आगे हम इसका यूज़ करेंगे। सबकी एक स्पेशल मीनिंग है, सबको रिजर्व करके रखा गया है, तो हम इसका यूज अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो हमारा कीवर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज्ड एज अ जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, नेमली वेरिएबल, etc। यानी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये
फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे हमको कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हमको वो स्टार्ट कैसे होगा, यानी अगर हम उसको ज़ीरो से लिख दें तो वो रन करेगा कि नहीं, अगर हम ज़ीरो ABC लिखें तो वो रन करेगा कि नहीं, अगर हम उसमें कुछ डॉट लगा रहे हैं, जैसे आप कुछ ऐसी चीज़ करते होंगे कभी कोई फॉर्म भरते होंगे तो उसमें ऐसा होता है कि इसमें स्पेशल करेक्टर आप नहीं लिख सकते, वो स्पेसिफाइड होता है। इसी तरह पाइथन में भी स्पेसिफाइड किया गया है कि आप सिर्फ अंडर स्कोर, जो एक स्पेशल करेक्टर है, ये एक स्पेशल करेक्टर में आता है, आप सिर्फ उसी का यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स में, बाकी किसी भी स्पेशल करेक्टर का यूज़ हम नहीं करेंगे। आगे मैंने बताया है, जैसे यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप कि मैंने रूल्स बताए हैं, जो आइडेंटिफायर्स के रूल होते हैं वो मेनली जो जावा और C++ में रहते हैं वो वही हैं, थोड़े से चेंजेस हैं। आइडेंटिफायर कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। मैंने आपको बताया कि ये अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर कैरेक्टर हो सकता है। अंडरस्कोर हमारा एक क्या है, स्पेशल करेक्टर है, तो स्पेशल करेक्टर में आप और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है हमारा, दे मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, यानी ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया कि कीवर्ड क्या होते हैं, एक रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका यूज़ हम स्पेशल मीनिंग के लिए करते हैं। तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि कीवर्ड कितना यूजफुल है, कीवर्ड का यूज़ हम आइडेंटिफायर के लिए नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड चीज क्या है हमारे पास, दे मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट, यानी इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप इसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी 1 ABC नहीं लिख सकते हैं, यानी आप इसको किसी भी डिजिट से यूज नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर आपका डिजिट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, दे कैन बी एनी लेंथ, यानी इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर चूज कर सकते हैं, वो चाहे जितना बड़ा हो। जैसे ये देखिए माई फाइल्स मैंने यूज किया है यहाँ पे, तो माई फाइल्स हमारा किससे स्टार्ट है, ये अल्फाबेट से स्टार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ABC अंडरस्कोर है, उसके बाद क्या है ABC, तो ये भी वैलिड है। मगर यहाँ पे अगर आप लिखते 1 2 ABA लिखते तो ये क्या होता, एरर आता, ये आइडेंटिफायर आपका नहीं कहलाता, क्योंकि ये न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पे डॉट ABC लिखते तो ये भी आपका क्या होता, गलत होता, ये भी आपका यूज़ नहीं होगा इसमें। तो ये सब सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको नोट नहीं करना है तो हम इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा आपकी आपको PDF चाहिए, आपको हम पूरा कंप्लीट PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि आप जब भी पासवर्ड डालते होंगे, आपको मैं समझा देता हूँ केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। आप बहुत जगह जब फॉर्म्स भरते होंगे या फिर कैप्चर कोड डालते होंगे तो उसमें लिखा रहता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जैसा वो लिखा है वैसा ही लिखिए, यानी कैपिटल में अगर ए लिखा है तो कैपिटल में ए लिखिए, स्मॉल में बी लिखा है तो स्मॉल में बी लिखिए, अगर वन लिखा है तो वन लिखिए, वन यहाँ पे मतलब नहीं, अगर स्मॉल में सी लिखा है तो स्मॉल में ही लिखिए, उसे आप कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं। तो केस सेंसिटिव का मतलब, एक हम नया वर्ड जाने क्या, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जैसा है वैसा ही, यानी अगर आप अपना पासवर्ड डाले हैं APK स्मॉल में सब, तो स्मॉल में ही डालेंगे, अगर ये कैपिटल में डालते हैं तो गलत आएगा। ये आप जान सकते हैं अपर केस और लोअर केस, यानी जो अपर केस होगा अगर कैपिटल अल्फाबेट होगा तो वो अलग ट्रीट होगा, लोअर अल्फाबेट होगा तो वो अलग ट्रीट होगा। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये हमारे एग्जांपल्स हमने बता दिया, आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4। आप बहुत एग्जांपल कमेंट करके हमें दो, कम से कम 5 एग्जाम्पल मुझे भेजेंगे, किसके, आइडेंटिफायर के 5 ऐसे एग्जाम्पल आप लिखेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे कि 5 आइडेंटिफायर, वैलिड आइडेंटिफायर्स, तो आप 5 वैलिड आइडेंटिफायर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कौन कौन से होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, आप किसी समय हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं, दे आर रिफर्ड एज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, जो ये हमें रिफर होता है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए होता है, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। फॉलोइंग आर द सेवरल लिटरल्स, लिटरल्स कितने प्रकार का होता है, एक,
दो तीन चार पांच तरीके के लिटरल्स आपको ऑफर किया है पाइथन ने। कितनी अच्छी बात है कि पांच तरीके के लिटरल्स आपको स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, पाइथन प्रोवाइड करता है कि आप उसका यूज कर सकते हैं। पहला स्ट्रिंग लिटरल आप ऊपर मेरी वीडियो देखे हैं तो स्ट्रिंग मैंने तीन चार बार यूज़ किया है, न्यूमेरिक भी यूज़ किया है, मगर बुलियन लिटरल नहीं यूज़ किया है। बुलियन और स्पेशल लिटरल थोड़े अलग लिटरल कलेक्शंस हैं हमारे पास, इनका भी हम यूज़ करेंगे। तो आइए हम देखते हैं किस पे स्ट्रिंग लिटरल। अब हम देखिए पार्ट्स के अंदर पार्ट्स घुस रहे हैं, लिटरल्स के पार्ट्स देख रहे हैं। अब लिटरल्स के पार्ट्स पहला क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, उनका यूजेस कैसे होता है, कैसे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ अभी आपको हम थ्योरी के सेशन में बता रहे हैं। इसका सब का यूज़ हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। तो अभी स्ट्रिंग लिटरल देखिए, हमारे वीडियोस में आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल सेशन में मैंने कंप्लीट इसे समझाया है। द टेक्स्ट इंक्लोज इन अ कोट सिंगल और डबल फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लिटरल इज पाइथन। यानी मैंने बताया है सिंगल कोट्स क्या होता है, डबल कोट्स क्या होता है। अगर आपने वीडियो मेरी ऊपर नहीं देखी है तो ऊपर देखिए, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स मैंने दोनों बताया है। ये क्या हमारा वैलिड स्ट्रिंग है, ये भी हमारा वैलिड स्ट्रिंग है, ये भी हमारा क्या है वैलिड स्ट्रिंग है। ये सब ये डबल कोट्स में है, ये सिंगल कोट्स में, ये सिंगल कोट्स में, आप देख सकते हैं ये हमारा सिंगल कोट्स में है, ये हमारा डबल कोट्स में है। तो ऑल स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन, पाइथन आपको ऑफर करता है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं। अगर आपको ऐसा हो कि आप नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स, आप नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स, ये भी इतना बड़ा वर्ड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर, सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया इसमें, वैसे भी मन नहीं लग रहा था, अब ये क्या आ गया, मगर इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी हम उसे कीबोर्ड से कुछ हमें की उसकी यूज़ करनी पड़ेगी जिससे हम उसका यूज़ करते हैं, उसी को कहते हैं क्या, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कहते हैं। दोज कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, यानी हम उसे डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या नहीं, जैसे बैक स्पेस नहीं टाइप कर सकते हैं हम, टैब नहीं टाइप कर सकते हैं, ईटीसी। नॉन कैरेक्टर्स आर टाइप व्हेन दे कीज आर प्रेस ओनली सम एक्शन टेक प्लेसेस, जब कोई एक्शन टेक प्लेस होती है तब हम इसका यूज करते हैं। जब नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंस, तो हम एस्केप सीक्वेंस उसको टाइप करेंगे और हमें जो चाहिए हम ये ले लेंगे। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स और हैं, पीडीएफ में है, आपको चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एस्केप सीक्वेंस के, यानी आपको हॉरिजेंटल टैब चाहिए, वर्टिकल टैब चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, तो आप ये टाइप करेंगे वहाँ पे और आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश टी, फॉरवर्ड स्लैश वी, फॉरवर्ड स्लैश एन, तो आपको ये मिल जाएगा। अब हम क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग पढ़ रहे थे। स्ट्रिंग में हमने पढ़ लिया था सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। अगर हमें स्ट्रिंग टाइप इन पाइथन, पाइथन में कितनी स्ट्रिंग टाइप होती है, तो सिंगल लाइन होती है और मल्टीपल लाइन होती है। यानी अगर आपको सिंगल लाइन में कोई चीज़ चाहिए तो आप एग्जैक्टली वन कोट्स या डबल कोट्स में टाइप करके आप ले सकते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके या किसी फंक्शन का यूज़ करके। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ड दिया है, तो यहाँ पे सिंगल वर्ड सिंगल कोट्स में आपको अलाउ किया है कि आप क्या करें, पाइथन को रन करा सकें, तो ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। नेक्स्ट मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग हम देख लेते हैं कि मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है। अब मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, बाय एडिंग अ बैक स्लैश एंड ऑफ लाइन फॉर नॉर्मल कोट्स और सिंगल कोट्स स्ट्रिंग। तो अगर हमें मल्टीपल लाइन के लिए चाहिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंग एक लाइन के लिए है, अगर हमें मल्टीपल लाइन के लिए प्रोग्राम रन कराना है तो हम क्या करेंगे, आप सिंपल सा इस तरह कोट्स ओपन करिए, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, ये फॉरवर्ड स्लैश करिए और आप इस तरह फिर इंटर करके आप कितना भी नीचे जाके प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। बाय टाइपिंग द टेक्स्ट इन अ ट्रिपल कोट्स मार्क्स, अब देखिए मल्टीपल स्ट्रिंग भी टू टाइप्स की होती हैं, एक हम फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं और दूसरा क्या यूज करते हैं, ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क्स यूज कर सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कि डबल 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 हमने तीन बार यूज किया है, यानी डबल कोट्स को हमने तीन बार यूज किया है स्टार्टिंग में, फिर हेलो लिखा है, फिर इंटर किया है, फिर वर्ड लिख के फिर तीन बार क्लोज कर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल 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 और ए बी सी लिख सकते हैं, इंटर करेंगे तो ये खुल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैपिटल ए
बी और सी, यहाँ पे फिर आप सिंगल सिंगल सिंगल, अगर आप ये भी लिखते हैं तो ये भी आपका प्रोग्राम सही होगा, ये गलत नहीं होगा। आप सिंगल कोट्स में यूज़ करें या डबल कोट्स में यूज़ करें, बस जिसका भी यूज़ करें उसे 3 बार यूज़ करें। ट्रिपल कोट्स, इसे मल्टीपल लाइन टेक्स्ट कहते हैं, इनक्लोज इन अ ट्रिपल कोट्स मार्क, बोथ ट्रिपल कोट्स मार्क विल बी यूज्ड, ये वर्क करेगा। आप सिंगल यूज़ करें या डबल यूज़ करें, दोनों ही यूज़ हो जाएंगे। अब साइज ऑफ स्ट्रिंग, आपको साइज ऑफ स्ट्रिंग भी काउंट करनी आनी चाहिए कि स्ट्रिंग कैसे हम काउंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग काउंट का मतलब क्या है कि कितनी स्ट्रिंग है, हमने कितने स्ट्रिंग्स यूज़ की। स्ट्रिंग मतलब सिंपल सा कि कितने वर्ड्स यूज़ किए, कितने न्यूमेरिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं किया हमने, या कितने हमने क्या यूज़ किया, यानी जो वर्ड यूज़ करते हैं हमें उसे पता भी होने चाहिए कि हम कितने वर्ड में प्रोग्राम बनाए, कितने लाइन में प्रोग्राम बनाए। तो साइज ऑफ स्ट्रिंग यानी साइज ऑफ स्ट्रिंग हम कैसे देख सकते हैं कि स्ट्रिंग की साइज़ क्या है। तो हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो स्ट्रिंग की सारी डिटेल पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग पढ़ा, सिंगल कोट्स डबल कोट्स पढ़ा, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग पढ़ा, और अब क्या पढ़ रहे हैं, साइज ऑफ स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। तो हमने जो एक टॉपिक उठाया उसे पूरा फिनिश कर रहे हैं डीप में, स्टार्टिंग हमने बेसिक से की और एंडिंग में हम दूर तक जा रहे हैं। तो ये देखिए आप, अब देखते हैं हम क्या है साइज ऑफ स्ट्रिंग। साइज ऑफ स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है और साइज दी है। तो आप यहां देख सकते हैं ए बी सी लिखा है, ए बी सी यानी इसमें कितने हो गए, काउंट करिए 1 2 3, यानी इसकी साइज क्या हो गई, टोटल 3 साइज हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको लग रहा, अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, HELLO मतलब हेलो, हेलो में कितने हैं, टोटल 5 साइज है, यानी 5 वर्ड को यूज़ करके बना होगा। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से बन के आती है, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये गलत लिखा है इसने, यहाँ पे तो डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ हुआ है मगर इसने सिर्फ 1 लिखा है, इसने गलत कर दिया है। मगर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ये गलत नहीं है क्योंकि ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर हैं। जो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर होते हैं उन्हें सिर्फ एक स्ट्रिंग काउंट की जाती है, यानी उसका करेक्टर क्या है, सिर्फ एक करेक्टर का है, उसकी साइज ऑफ स्ट्रिंग सिर्फ एक कहलाएगी। तो ये आपको एक ध्यान देने वाली चीज है, यहां पे आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आप बताएंगे कि इसमें कितने होंगे, साइज मत देखिएगा आप, बताइए इसमें कितने हैं, इसमें भी कितने हैं, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि ये भी एक नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर किस लिए है, ये न्यू लाइन के लिए है, ये मैंने ऊपर बताया है, ये किसके लिए है, न्यू लाइन इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये न्यू ग्राफिक नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है, किसके लिए, न्यू लाइन के लिए है। तो ये भी इसकी साइज कितनी हुई, 1 हुई। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है, हाँ, मगर ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश और वी तक ही नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है, उसके बाद ए वर्ड दिया गया है। तो इसमें टोटल साइज कितनी हो गई, 2, एक नॉन ग्राफिक कैरेक्टर की हो गई और दूसरा ए की हो गई, तो इसकी साइज कितनी हो गई, 2। और यहाँ पे सीमास पेन है तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, इसमें टोटल 11 कोट्स हैं। तो आप साइज ऑफ स्ट्रिंग आप काउंट कर सकते हैं, मैं अपने क्वेश्चंस में आपको स्ट्रिंग काउंट करने के लिए दिया है, आप उसको करिएगा, इसमें बहुत ही मजा आती है। ऐसे आप वर्ड्स ले लीजिए ढेर सारे, उसको सिंगल कोड्स डबल कोड्स नॉन ग्राफिक कैरेक्टर सब एक साथ ले लीजिए, हमने प्रोवाइड भी किया है। आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको ऐसे काफ़ी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं आपको दे सकता हूँ, और आप उसे सीखिए, काउंट करिए कि उसमें कितनी साइज है, इसमें बहुत ही मजा आती है। तो आप कर सकते हैं कि नंबर ऑफ साइज कितनी होती है, ये सिंपल है, बहुत ही आसान है, आराम से 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है कि साइज ऑफ स्ट्रिंग बताइए, आपको नॉन ग्राफिक कैरेक्टर दे देगा, आप 2 लिख के चले आएंगे और आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे आप इंपॉर्टेंट बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट का साइन, डेंजर का साइन, डेंजर का साइन मतलब इसको ध्यान देने वाली चीज़ है। जब भी कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम इस तरह डेंजर का साइन बना लेते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे, अभी हमने सिंगल लाइन के लिए स्ट्रिंग को काउंट किया, अब हम देखते हैं कि मल्टीपल लाइन के लिए हम स्ट्रिंग कैसे काउंट कर सकते हैं, यानी उसकी स्ट्रिंग की साइज क्या होगी। अभी आपने सिंगल लाइन के लिए किया, अब मल्टीपल लाइन में कैसे होगा, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में ऐसा आया कि मल्टीपल लाइन के लिए क्या होगा। आइए फिर हम बताते हैं कि मल्टीपल लाइन के लिए क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल दे दिया, आगे हम बताएंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, बस आप धैर्यपूर्वक पढ़िए, आपको सब चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। जो चीज़ समझ में ना आए आप एक अलग से पेज बनाइए और उसे फिर हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रिंग क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रिपल कोट्स, यानी यहाँ पे क्या मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग यूज़ हुआ है, किसका, ट्रिपल कोट्स। आप सारी चीज़ें ध्यान दीजिए, जितना पीछे पढ़ा है उसका एप्लीकेशंस करते जाइए। फिर यहाँ पे क्या है, ए दिया है,
फिर नेक्स्ट इंटर किया बी लिखा, फिर नेक्स्ट इंटर किया सी लिखा, उसके बाद ट्रिपल कोट्स में क्लोज कर दिया। देखिए दीज इंटर कीज आर कंसीडर एज ईओएल। ईओएल का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ लाइन। कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म सीखते रहिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है इसका। कैरेक्टर्स एंड कंटिन्यू इन द लेंथ ऑफ मल्टीपल मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यानी इसके कैरेक्टर कितने हैं कोई बता सकता है बिना देखे? जल्दी करिए, बता सकते हैं तो बताइए। साइज ऑफ स्ट्रिंग इज 3 इज 5, इसकी साइज कितनी है? 5 है। आप कैसे देख सकते हैं इसकी 5? 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्ट्रिंग्स इसमें यूज हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कितने हैं। फॉर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग क्रिएटेड विथ अ सिंगल डबल कोट्स एंड बैक स्लैश कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन वाल कैलकुलेटिंग साइज द बैक स्लैश आर नॉट कॉन्टेंट इन द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। जो बैक स्लैश है वो साइज में काउंट नहीं होती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कोई वेरिएबल लिया स्ट्रिंग 4 वेरिएबल लिया इज इक्वल टू, मैंने स्टार्ट किया किससे, कोट से स्टार्ट किया, ए लिखा, फॉरवर्ड स्लैश लगाया, बी लगाया, फॉरवर्ड बैक स्लैश लगाया, फिर सी लिखा, फिर कोट्स किया, तो बैक स्लैश आर नॉट काउंट इन द साइज ऑफ स्ट्रिंग, यानी बैक स्लैश जो होता है वो साइज में काउंट नहीं होता। ये भी ध्यान देने की चीज़ है, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, IMP लिख सकते हैं कि जो बैक स्लैश होता है वो हमारा क्या होता है, काउंट नहीं होता है साइज में। IMP डाल सकते हैं आप इसको इस तरह बना के। साइज ऑफ द स्ट्रिंग 4 is 3, यानी साइज ऑफ स्ट्रिंग जो है वो क्या है इसकी 3 है। अब नेक्स्ट टू चेक द साइज ऑफ स्ट्रिंग यू मे ऑल्सो टाइप लेन। अगर आपको चेक करना है कि आपका सही है जो मैंने काउंट किया है, कैसे चेक करें सही है कि नहीं, कमेंट में आंसर ना मिल रहा हो सके तो आप अपने से चेक करना चाहते हैं, तो ये हम एक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सिंटेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, खुफिया कोड ये पाइथन अलाउ करता है। आप लेन डालेंगे, स्ट्रिंग का नाम डालेंगे, तो आपको कमांड में प्रिंट होके आएगा कि आपके कितने कोड हैं। जैसे आपको स्ट्रिंग 4 का आपको चेक करना है कि कितने इसमें हमारी स्ट्रिंग की साइज है, तो आप फर्स्ट यूज़ करेंगे क्या, लिखेंगे लेन यूज़ करेंगे। लेन मतलब क्या होता है, लेंथ, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं लेन। उसके बाद पैरेंथेसिस खोलते हैं, उसमें स्ट्रिंग का नाम डालते हैं जो स्ट्रिंग से हम प्रोवाइड करते हैं, तो स्ट्रिंग का नाम हमारा क्या है, str4। जब आप str4 इस तरह लिख के कोट्स में क्लोज कर देंगे, जब आप इसको रन कराएंगे, इंटर करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, इस तरह आपको 3 प्रिंट होके आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं ये सही है या गलत है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते रहेंगे तो आसानी से पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन बहुत ही आसान ईजी लैंग्वेज है अगर आप सीखना चाहें तो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूमेरिक लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट हमारा यूज़ क्या आता है, न्यूमेरिक लिटरल। ये हमारे टाइप्स ऑफ लिटरल इस समय पढ़ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल, न्यूमेरिक से कुछ समझ में आ रहा है, न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? न्यूमेरिक का मतलब होता है कि नंबर्स, नंबर्स लिटरल, यानी नंबर कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, 1 2 यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, यूज़ कर सकते हैं, मगर 1 2 तो नंबर ही होता है। कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हैं, 1 2 तो नंबर ही होता है और नंबर क्या होता है, 1 से 9, 0 से 9 नंबर ही होता है। हाँ यूज़ कर सकते हैं, मगर हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर लिटरल्स की, फिक्स नंबर वैल्यू क्या होते हैं और उसकी। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू लिटरल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं। इसमें इंटीजर लिटरल्स होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होते हैं। दो चीज़ें लिटरल्स होती हैं, एक इंटीजर लिटरल्स होती हैं, एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होती हैं। इंटीजर्स में क्या होती हैं, डेसिमल इंटीजर्स होती हैं, ऑक्टल इंटीजर्स होती हैं और हेक्साडेसिमल होती हैं। और फ्लोटिंग में क्या क्या होते हैं, हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म होते हैं और कौन से फॉर्म होते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म होते हैं। मैं फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंट बताऊंगा। और ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारी पहले से वीडियो पड़ी है, कन्वर्जन ऑफ नंबर, आप उसमें देख सकते हैं। डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, ये 10 बेस में लिखा जाता है। ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 बेस होता है। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 बेस होता है। ये कन्वर्जन हमारी पहले से वीडियो पड़ी है, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप में आप जाके, ऑनलाइन यूनिक गुरु ऑनलाइन में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से हमारा एक कन्वर्जन ऑफ नंबर का 4-5 वीडियो बनी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वो बहुत ही इजी है, आप पहले पढ़े होंगे उस सब चीज़ों को, डेसिमल क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ऑक्टल। मैं बात करूंगा यहाँ पे किसके, फ्रैक्शनल फॉर्म का और एक्सपोनेंट फॉर्म का। ये 2 चीज़ें मैं इस वीडियो सेशन में बताऊँगा। अब देखते हैं इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं।
इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट, मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट. अब दो चीज़ें, इन हमारी जो इंटीजर और फ्लोटिंग थी, अब उसके बारे में तो मैंने बताया ही नहीं, आपने आप लोगों ने बताया भी नहीं कि मैं बताया नहीं, देखिए मैं भूल जा रहा था. अब आपको बताता हूँ इंटीजर्स लिटरल्स क्या होते हैं. इंटीजर लिटरल में हमारा जो होता है डेसिमल पॉइंट नहीं होता है. डेसिमल का मतलब यहाँ पे जैसे पॉइंट वाला होता है, यानी वन पॉइंट अगर आप 3 लिखते हैं तो वो इंटीजर नहीं होगा, वो क्या होगा, फ्लोटिंग नंबर होगा. आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्यों रखा गया. फ्लोटिंग पॉइंट, इसका तो नाम डेसिमल रखा जा सकता था. इसका नाम फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि डेसिमल क्या होता है, फ्लोट करता रहता है. 1.3 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.13 लिख सकते हैं एक्सपोनेंट और मेंटीसा के फॉर्म में. ये मैं आपको बताऊंगा. बस यहाँ पे आपको जानने की ये जरूरत है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है वो डेसिमल होता है, और इंटीजर लिटरल जो होता है वो डेसिमल उसमें नहीं लगा रहता है, उसमें नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं. ये कंटेन किए रहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव साइन, यानी आप पॉजिटिव और प्लस और माइनस आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं प्लस और माइनस, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, प्लस लेगा. आगे पढ़ते हैं फ्लोटिंग लिटरल्स, रियल लिटरल्स. फ्लोटिंग लिटरल्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, रियल लिटरल्स होते हैं. तो फ्लोटिंग लिटरल्स क्या होते हैं, रियल लिटरल्स होते हैं. रियल लिटरल्स आर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट्स. मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं. रूल ऑफ राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट्स, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म होगा और एक्सपोनेंट फॉर्म होगा, दो फॉर्म होंगे इसमें. तो अब इसके रूल्स क्या होते हैं लिखने के लिए, ये देख सकते हैं. इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट बिफोर अ डेसिमल पॉइंट एंड एट लीस्ट वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. अगर आप इस तरह लिखते हैं 1.1, तो एक डेसिमल के पहले भी एक नंबर है, डेसिमल के एक बाद भी नंबर है. मगर आप कोई अगर आप 0.1 लिखते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि इसके बाद भी एक नंबर है, इसके बाद भी एक नंबर है. तो आप एट लीस्ट वन डिजिट आपका होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में आपका वन डिजिट होना बहुत ही ज़रूरी है. कॉमास कैन नॉट अपीयर इन अ फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कॉमास हम यूज़ नहीं कर सकते. जैसा हम जनरल रूल पढ़ते हैं कि इंडियन मेथड में, इंटरनेशनल मेथड में हम कॉमा लगाते हैं, तो कॉमा आप नहीं लगाएंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में. ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. ये भी आप इसको IMP कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं कि कॉमा हमें नहीं लगाना है फ्लोटिंग पॉइंट्स में. आप इसको IMP डाल सकते हैं, आप इसको IMP डाल दिए. इट मे कंटेन आई द पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन. मैं बता चुका हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कंटेन करेगा. मैं कुछ एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, एग्जांपल्स ऑफ वैलिड फ्लोटिंग लिटरल्स. यानी एग्जांपल्स कैसे होंगे, 2.0 ये क्या है, लिटरल है, यानी हमारा क्या है, फ्लोटिंग लिटरल है. ये क्या है हमारा, ये भी फ्लोटिंग लिटरल, ये भी हमारा फ्लोटिंग लिटरल, ये भी हमारा फ्लोटिंग लिटरल. मैं आपको आगे एक चीज़ बताऊँगा जिसमें फ्लोटिंग लिटरल्स और हम इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है, नंबर दोनों में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा. मैंने उसकी PPT अलग से बनाई है, तो मैं उसे आगे ही समझाऊंगा. रियल लिटरल मे बी रिटर्न इन अ टू फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म. मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दो तरीके से लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में और एक एक्सपोनेंट फॉर्म में. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, रियल लिटरल इन एक्सपोनेंट फॉर्म. अब हम फ्रैक्शनल पार्ट में देखा, अब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में देखें. दो तरीके होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म, एक एक्सपोनेंट फॉर्म. तो हम देख सकते हैं यहाँ से रियल लिटरल इन एक्सपोनेंट फॉर्म. और रियल लिटरल इन एक्सपोनेंट फॉर्म कंसिस्ट टू पार्ट, मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेंटीसा होते हैं और एक्सपोनेंट को होते हैं. आप सोच रहे होंगे मेंटीसा क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल देखिए, 5.8 लिखा है. आप इसको अगर पाइथन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें दो फॉर्म होगा, 0.58 e की पावर 1. यानी इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, पहले हमने इसको कन्वर्ट किया, 0.58 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि हमने एक पॉइंट इधर किया, तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 1 हो गया. यहाँ पे 10 की पावर 1 हो गई. उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब ऐसे तो लिख नहीं सकते हम पावर. आप सोच रहे होंगे पावर पावर लिखना वैसे भी कंप्यूटर में इतना टफ होता है, तो इसको हम लिखने के लिए क्या यूज़ करेंगे, 0.58 e1. e1 जो हमारा फॉर्म है वो एक्सपोनेंट फॉर्म है, e के पहले जो होता है वो मेंटीसा फॉर्म है, वेयर मेंटीसा इज 0.85
पार्ट, ये पार्ट को हम मेंटिसा कहते हैं और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ई के पहले वाले को हम क्या कह दिए, मेंटिसा कह दिए। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि मेंटिसा और एक्सपोनेंट में क्या डिफरेंस है, क्या मेंटिसा होता है, क्या एक्सपोनेंट होता है। तो चलिए, अच्छा हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप जल्दी जल्दी बताइएगा इसमें क्या मेंटिसा है क्या एक्सपोनेंट है। 0.111 ई की पावर हमने दे दिया यहाँ पे 5। अब बताइए इसमें मेंटिसा पार्ट कितना है और एक्सपोनेंट पार्ट कितना है, जल्दी बताइए। मेंटिसा पार्ट इतना है और एक्सपोनेंट पार्ट कितना है, ई के बाद वाला एक्सपोनेंट पार्ट है और ये क्या पार्ट है, मेंटिसा पार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह एग्जांपल्स बहुत हैं, आप अपने से कर सकते हैं। अब बुलियन लिटरल इन पाइथन कैन आइदर हैव ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। बुलियन लिटरल जो होता है वो बहुत मज़ेदार लिटरल होता है। आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा कि पाइथन जो होता, जो हमारा कंप्यूटर है वो किस फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी डिजिट में, 0 या 1 के फॉर्म में करता है, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में किसी चीज़ को लेता है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वो बताते हैं ट्रू या फॉल्स, जहाँ पे ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। फॉल्स किसको इंडिकेट करता है, 0 को इंडिकेट करता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, फॉल्स हमारा क्या है, 0 है। अब हम देखते हैं स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल क्या होता है, स्पेशल लिटरल नॉन लिटरल, नॉन लिटरल को ही हम क्या कहते हैं, स्पेशल लिटरल कहते हैं। क्यों ये स्पेशल है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, जिसमें कोई बात नहीं है वो स्पेशल कहा गया। देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया इसने, जहाँ कुछ नहीं है वो क्या हो गया, स्पेशल लिटरल हो गया। ऐसा कहीं होता है मगर पाइथन में ऐसा हो रहा है। द नॉन लिटरल इज यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी एब्सेंस ऑफ वैल्यू को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वैल्यू कोई भी नहीं है। यानी एम्प्टी सेट, अगर आपने सेट पढ़ा होगा तो नल सेट, एम्प्टी सेट पढ़ा होगा, वही होता है, नॉन लिटरल होता है। पाइथन डज नॉट डिस्प्ले एनीथिंग व्हेन आस्क्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कंटेनिंग वैल्यू एज नॉन। यानी अगर हम ए इज इक्वल टू लिखते हैं कुछ नहीं, यानी ए इज इक्वल टू हम ऐसे छोड़ देते हैं और फिर प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, कहते हैं प्रिंट करो हमारा क्या, ए प्रिंट करो, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा पता है, नॉन लिटरल प्रोवाइड करेगा। नॉन लिटरल में क्या प्रोवाइड करेगा, सिर्फ आपको ऐसे स्पेस दे देगा, प्रॉम्प्ट क्या, प्रॉम्प्ट भी नहीं बनेगा, आपको सिर्फ ऐसे स्पेस खाली देगा। इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि नॉन लिटरल, ये खाली वैल्यू है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है, ये आप देख सकते हैं। तो वैल्यू 1 इज इक्वल टू नन, नन होती है प्रिंट वैल्यू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट गिविंग टू प्रिंट एनी थिंग, आपको ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ये सब कुछ प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये मेरे साथ आप नोट करते जाइए, कीवर्ड बनाते जाइए कि ये हमें प्रैक्टिकल सेशन में करना है, जहाँ जहाँ मैं प्रैक्टिकल की बात कह रहा हूँ, और फिर आप वीडियो मेरा प्रैक्टिकल सेशन में जा, मेरे वीडियो में देख सकते हैं, प्रैक्टिकल सेशन में मैंने ये सब कराया है। पहले मैं थ्योरी पार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा कि ये है ये है, ये कैसे होता है ये कैसे होता है, तो प्रैक्टिकल जल्दी समझ में आएगा। ये यूनिक ग्रुप का फॉर्मूला है।